राज्यसभा में जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी बहस। जया बच्चन ने सभापति के बोलने के अंदाज पर की टिप्पणी। विपक्ष का वॉकआउट। राज्यसभा से वॉकआउट करने के बाद जया बच्चन ने सभापति पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, वो हमेशा असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मुझे माफी चाहिए। राज्यसभा के हंगामे पर कांग्रेस ने भी सदन से किया वॉकआउट। जयराम रमेश बोले, धनखड़ बार बार एलओपी का अपमान कर रहे हैं। आरएलडी सांसद जयंत चौधरी ने विपक्ष पर कार्रवाई की मांग की है। जयंत ने कहा, सदन में जो हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यसभा में हंगामे पर टीएमसी सांसद का बड़ा बयान। जौहर सरकार ने कहा कि हमारी मांग है कि विपक्ष से भी इज्जत से बात की जाए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हंगामे के बाद राज्यसभा में कहा, विपक्ष का इस तरह का अमर्यादित बयान पहले कभी नहीं देखा। राज्यसभा में सभापति धनखड़ और जया बच्चन के बीच हुई बहस पर जेपी नड्डा ने सदन में कहा, विपक्ष का व्यवहार अशोभनीय, विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। ईडी की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। शराब घोटाला केस में फरवरी 2023 से जेल में बंद थे सिसोदिया। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, केंद्र सरकार की तानाशाही पर लोकशाही का जोरदार तमाचा है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर बीजेपी ने साधा निशाना। बांसुरी स्वराज बोली, सिसोदिया अभी भी अभियुक्त हैं, जनता को गुमराह ना करे आम आदमी पार्टी। आप सांसद राघव चड्ढा का मनीष सिसोदिया की जमानत पर उन्होंने जताई खुशी। एक्स पर लिखा, दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने से खुशी। सांसद स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट कर मनीष सिसोदिया की बेल पर जताई खुशी। एक्स पर लिखा, उम्मीद है कि अब वो सरकार को सही दिशा में लेकर चलेंगे। मनीष सिसोदिया की जमानत पर आरजेडी ने भी जताई खुशी। मनोज झा बोले, फैसले से आम आदमी पार्टी को मिलेगी मजबूती। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर किया ट्वीट। एक्स पर लिखा, दिल्ली वालों की दुआओं से झूठ और षड्यंत्रों का जाल टूटा। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। लिखा, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मनीष सिसोदिया की जमानत को सत्य की जीत बताया। मनीष सिसोदिया की जमानत पर मीसा भारती ने कहा, सिसोदिया को बेल मिलना अच्छी बात है, पहले न्याय मिलना चाहिए था। मनीष सिसोदिया को जमानत पर बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार ने कहा, जमानत मिलने का मतलब बरी होना नहीं है, केस तो वही रहेगा। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी दफ्तर में जश्न का माहौल। नेताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। दिल्ली के मंत्री आतिशी मनीष सिसोदिया की जमानत पर बोलते हुए मंच पर भावुक हुई। 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया को मिली है जमानत। मनीष सिसोदिया की जमानत पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। कहा, न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबक भी है और संदेश भी। दिल्ली बीजेपी का मनीष सिसोदिया की जमानत पर बड़ा बयान। कहा, बेल मिल जाने का मतलब अपराध मुक्त हो जाना नहीं होता है। पेरिस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। जेवलिन थ्रो में फाइनल में नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर भाला फेंका। जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के नाम गोल्ड मेडल। फाइनल में पाकिस्तान के अर्शद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंका। पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नीरज अपने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओलंपिक्स जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। कहा, नीरज ने हम सभी को गौरवान्वित किया। पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के माता पिता ने जताई खुशी। कहा, हमारा नहीं देश का बेटा है नीरज। ओलंपिक हॉकी में भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। रोमांचक मुकाबले में स्पेन को 2-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत ने किए दोनों गोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को ब्रॉन्ज जीतने पर फोन पर बधाई दी है। कहा, हॉकी टीम की ये जीत पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने पर नीता अंबानी ने हॉकी टीम को बधाई दी। कहा, हॉकी की समृद्ध विरासत फिर जीवित हो गई। हॉकी खिलाड़ियों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान। पंजाब के हॉकी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ इनाम देगी पंजाब सरकार। आज कुश्ती में कांस्य पदक के लिए खेलेंगे अमन सहरावत। रात 9:15 पर होगा मुकाबला। पेरिस ओलंपिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ भारत ने अब तक 5 मेडल अपने नाम किए। विनेश फोगाट की अपील पर सीएस में आज सुनवाई। विनेश ने संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल की अपील की। कांग्रेस पर धड़की। विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट कहा, खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाएं। विनेश फोगाट के संन्यास के फैसले पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का बयान। कहा, जल्दबाजी में फैसला लेना ठीक नहीं, एक बार फिर विचार करें विनेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने पहुंचे ओलंपिक्स मेडल विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह। सीएम ने दोनों खिलाड़ियों को किया सम्मानित।
बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर संसद में विपक्ष के सांसदों का हंगामा, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर चेंज की अपनी प्रोफाइल पिक्चर, तिरंगा लगाकर लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। कल अयोध्या के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर दौरा, पार्टी नेताओं को देंगे जीत का मंत्र। संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, एक्स पर लिखा सपना चकनाचूर हुआ है, सीएम बनने की ख्वाहिश में गए थे दिल्ली, लौट के बुद्धू घर को आए। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने फिर दिया विवादास्पद बयान, कहा भारत में भी बन रही है बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का मणिशंकर अय्यर पर निशाना, कहा देश में भ्रम का माहौल फैलाकर देश में अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश सफल नहीं होगी। मणिशंकर अय्यर के विवादास्पद बयान पर बीजेपी का करारा हमला, मणिशंकर के बयान को देश विरोधी बताया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू प्रसाद यादव पर निशाना, कहा लालू यादव परिवार के घोटाला पूरा देश जानता है। वाराणसी में बीजेपी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को खून से पत्र लिखा है, बांग्लादेश की हालत देखकर भारत में एनआरसी लागू करने की मांग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हर घर तिरंगा अभियान में लिया हिस्सा, स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। काकोरी स्वर्णाक्षरी शताब्दी महोत्सव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसकी शुरुआत की है, लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक पर वीरों को नमन किया। महाराष्ट्र में एनसीपी के अजीत पवार और शरद पवार गुट के बीच यात्राओं की लड़ाई शुरू हो चुकी है, अजीत पवार की सम्मान यात्रा तो शरद पवार निकाल रहे हैं शिव स्वराज यात्रा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ दर्ज किया गया केस, साइबर सेल ने प्रधानमंत्री और सीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट पर दर्ज किया केस। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पूर्व पीएम शेख हसीना के करीबियों पर गाज गिरना शुरू, सैन्य इंटेलिजेंस के मुखिया मेजर जनरल जियाउल एहसान गिरफ्तार। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच इस्लामपुर बॉर्डर पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की गई, बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश में जुटे हजारों बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में कट्टरपंथी संगठन सत्ता में हिस्सेदारी के लिए हुए सक्रिय, जमातुल मुजाहिदीन समेत कई कट्टरपंथी संगठन कर रहे हैं कोशिश। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन, मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के पीएम के तौर पर शपथ ली, प्रधानमंत्री ने मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दी। बांग्लादेश में चुनाव करवाने को लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और छात्रों के बीच मतभेद, बीएनपी जल्द चाहती है चुनाव, छात्र नेतृत्व तैयारी के लिए मांग रहा है वहां। भारत ने अंतरिम सरकार बनने के बाद बांग्लादेश से फिर शुरू किया व्यापार, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल बॉर्डर से लेन देन हुआ शुरू। बक्स एक्ट संशोधन बिल पर देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस का बिल से लेना देना नहीं, सिर्फ बक्स की जमीन पर से मतलब है। वक्फ संशोधन विधेयक का सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कशिश ने समर्थन किया है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को तीन तलाक कानून की तरह सुधार बताया। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर गिरिराज सिंह का विपक्ष पर निशाना, विपक्ष पर लगाया दुष्प्रचार करने का आरोप। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की पूर्व अध्यक्ष स्मृति ईरानी ने वक्फ एक्ट संशोधन बिल को बताया बड़ा बदलाव, कहा महिलाओं को अधिकार और न्याय दिलाने वाला बिल। वक्फ एक्ट संशोधन बिल पर कांग्रेस नेता के सुरेश का बड़ा बयान, कहा सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का चंद्रशेखर स्वामी मंदिर और तिरुचेंदुरई गांव पर दावा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के पास फिर लैंडस्लाइड से दहशत, नेशनल हाईवे प्रभावित, दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतारें। उत्तराखंड के चंपावत में उफनते नाले में फंसी लोगों से भरी एक गाड़ी, हादसे में एक महिला की मौत, दो लोग लापता। मध्य प्रदेश के खंडवा में बांधों का जलस्तर बढ़ने के बाद खोले गए डैमों के दरवाजे, इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध से छोड़ा जा रहा है 10,000 क्यूसेक पानी। मध्य प्रदेश के दमोह में सड़क के ऊपर से बह रहे ओवरफ्लो नाले को पार करने को मजबूर हुए लोग, तस्वीरों में स्कूली बच्चे तेज बहाव के बीच चलते नजर आ रहे हैं। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर फंसे 115 लोगों का सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, लैंडस्लाइड के बाद से फंसे थे सभी यात्री। उत्तराखंड के नैनीताल में भूस्खलन से मंडरा रहा है खुपी गांव पर बड़ा खतरा, लोगों ने प्रशासन से विस्थापित करने की मांग की। राजस्थान में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, अलवर दौसा जयपुर में बिजली गरजने के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आसमानी आफत का कहर, पहाड़ी इलाकों में बने कई घर और स्कूल में आई दरारें, स्कूलों की छुट्टी के साथ घरों को खाली करवाने का काम जारी।
मध्य प्रदेश के बालाघाट भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। बीजेपी विधायक राजकुमार कर रहा है ने बारिश के बीच इलाके का दौरा किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा घाट पर बना साई मंदिर पानी में डूबा। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। मध्य प्रदेश के दमोह में नाला पार करते वक्त सैलाब में बाहर ट्रैक्टर ड्राइवर ने तैरकर अपनी जान बचा ली। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कुछ घंटे की बारिश से शहर का मार्केट पानी में डूबा। सड़कों पर भी कई फीट तक पानी भरा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बेसमेंट में चल रहे अस्पताल में भरा पानी। मरीजों की जान को खतरा देख दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। चित्रकूट में मूसलाधार बारिश से बरदहा नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ की वजह से कई गांवों पर मंडराया खतरा। मुख्यालय से संपर्क टूटा। वाराणसी में भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भरा। बारिश के पानी से सड़कें लबालब नजर आई। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में कमर तक भरा पानी। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब। बरसात का पानी घर और दुकानों में भरा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। पानी में 80 घाट डूबा। क्रूज का संचालन बंद। लखीमपुर खीरी में तेज कटान की वजह से शारदा नदी में समाया एक मंदिर और मकान। नदी के तेज कटाव की वजह से यहां पर लोगों में दहशत। वायनाड के लोगों ने सेना को शानदार विदाई दी। लैंडस्लाइड के बाद से 10 दिनों तक सेना ने रेस्क्यू अभियान चलाकर कई जिंदगियों को बचाया। वायनाड आपदा में मृतकों की संख्या 400 के पार। अभी भी 152 लोग लापता। 150 से ज्यादा शव बरामद। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड की वजह से रोका गया NH-21 पर ट्रैफिक जैम। चंडीगढ़ से मनाली जाने वाला हाईवे प्रभावित। दिल्ली से IAS का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था पकड़ा गया आतंकी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक IED बरामद किया है। बम निरोधक दस्ते प्रेशर कुकर में रखे IED को उन्होंने नष्ट किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में YouTube की मदद से बम बनाते वक्त धमाका हुआ है। ब्लास्ट में बम बना रहे 5 बच्चे घायल। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में किसानों के मुआवजे की रकम दूसरे अकाउंट में की गई ट्रांसफर। SDM ने साइबर ठगी बताकर साइबर थाने में दर्ज करवाया मामला। पुणे पुलिस ने पूजा खेतकर के पिता दिलीप खेतकर पर दर्ज किया मामला। थाने में सरकारी काम में रुकावट डालने का केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के गोंडा में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी पर नाम बदलकर हिंदू लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप। महाराष्ट्र के वाशिम में संपत्ति के लिए पोते ने दादा और दादी की हत्या कर डैम में फेंका। पुलिस ने आरोपी और उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई से सटे पालघर में 10-run का मामला। तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत। आरोपी गिरफ्तार। कन्नौज में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। खड़े ट्रक में पीछे से टकराया दूसरा तेज रफ्तार ट्रक। NH-31 पर हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज में हुए हादसे का लिया संज्ञान। मृतकों के परिवारों के प्रति जताई संवेदना। अधिकारियों को जरूरी मदद के दिशा निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी तेज। तोपों से दागे गए 52 सेकंड में 21 राउंड गोले। भारतीय सेना ने फील्ड गन से सलामी की प्रैक्टिस की। नागपंचमी पर खोले गए उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट। उमड़ी भक्तों की भीड़। साल में सिर्फ 1 दिन के लिए खुलता है मंदिर। नागपंचमी के मौके पर शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। लोग मंदिरों में करवा रहे हैं रुद्राभिषेक और कालसर्प योग की पूजा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 1 दिन में हाथी ने 3 महिलाओं की जान ली। अलग अलग जगह हुई घटनाएं। लोगों में हाथियों की दहशत। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 2 साल की बच्ची की मौत। शाहपुर की रहने वाली बच्ची का अहमदाबाद में चल रहा था इलाज। हमास और इसराइल के बीच जंग का जल्द निकल सकता है समाधान। सीज फायर और बंधकों को छोड़ने पर अगले हफ्ते हो सकती है दोनों के बीच बैठक।